बुद्ध वचन, भिक्षुओ तथागत अहर्त सम्यक संबुद्ध ने वाराणसी के ऋषि पतन मृगदाऊ में अनुत्तर धर्म चक्र चलाया है। इससे पहले ऐसा धर्म चक्र लोक में न किसी श्रमण ने, न किसी ब्राह्मण ने, न किसी देवता ने, न किसी मार ने और न किसी ब्रह्मा ने ही चलाया। कौन सा धर्म चक्र? यह जो चार आर्य सत्यों का कहना है, यह जो चार आर्य सत्यों का उपदेश करना है, यह जो चार आर्य सत्यों को प्रकाशित करना है, यह जो चार आर्य सत्यों को सत्यापित करना है, यह जो चार आर्य सत्यों का विस्तार करना है, यह जो चार आर्य सत्यों का विभाजन करना है, यह जो चार आर्य सत्यों को उघाड़ कर दिखा देना है। कौन से चार आर्य सत्यों को? पहला, दुख आर्य सत्य को। दूसरा, दुख समुदय आर्य सत्य को। तीसरा, दुख निरोध आर्य सत्य को। और चौथा, दुख निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग आर्य सत्य को। भिक्षुओं, जब तक मुझे इन चार आर्य सत्यों का यूं तेहरा करके 12 प्रकार से यथार्थ ज्ञान दर्शन स्पष्ट नहीं हो गया, तब तक मैंने यह दावा नहीं किया कि मैंने देव और मार सहित लोक में तथा श्रमण ब्राह्मण और देव मनुष्यों से युक्त प्रजा में सबसे बढ़कर सम्यक ज्ञान को पा लिया। लेकिन जब मुझे इन चार आर्य सत्यों का यूं तेहरा करके 12 प्रकार से यथार्थ ज्ञान दर्शन स्पष्ट हो गया, तो मैंने दावा किया कि मैंने देव और मार सहित लोक में तथा श्रमण ब्राह्मण और देव मनुष्यों से युक्त प्रजा में सबसे बढ़कर सम्यक ज्ञान को पा लिया। मैं उस धर्म को जान गया, यह गंभीर है, दुष्करता से दिखाई देने वाला है, सूक्ष्मता से समझ में आने वाला है, शांत है, प्रणीत है, तर्क से अगम्य है, निपुण है और पंडित जनों द्वारा ही जाना जा सकता है। लोग आसक्ति में पड़े हैं, आसक्ति में रत हैं, आसक्ति में प्रसन्न हैं। उन आसक्ति में पड़े, आसक्ति में रत, आसक्ति में प्रसन्न लोगों के लिए यह बहुत कठिन है कि वह कार्य कारण संबंधी प्रतित्य समुत्पाद के नियम को समझ सकें, और उनके लिए यह भी बहुत कठिन है कि वह सभी संस्कारों के शमन, सभी चित्त मलों के त्याग, तृष्णा के क्षय, विराग स्वरूप, निरोध स्वरूप निर्वाण को प्राप्त कर सके। ऐसे भी प्राणी हैं जिनके चित्त पर थोड़ा ही मैल है, वे यदि धर्मोपदेश न सुनेंगे तो विनाश को प्राप्त होंगे, वे लोग धर्म को समझने वाले होंगे।